लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। फ्रेंड्स, 2019 में अब बहुत कम दिन बचे हैं, उसका जाना तय है, और 2020 का नया वर्ष और उसके साथ नया दशक आप सभी के लिए सुख, समृद्धि और सफलता लेकर के आए। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, इस कामना के साथ आप सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात बताना चाहता हूं। साथियों, आपने अपने सेंटेनरी सेलिब्रेशन की जो थीम रखी है वो देश के, देशवासियों के लक्ष्यों और सपनों के साथ जुड़ी हुई है, और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात अचानक आई है ऐसा नहीं है। बीते 5 वर्षों में देश ने खुद को इतना मजबूत किया है कि इस तरह के लक्ष्य रखे भी जा सकते हैं और उन्हें प्राप्त भी किया जा सकता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5-6 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था डिजास्टर की तरफ बढ़ रही थी। हमारी सरकार ने न सिर्फ इसे रोका है बल्कि अर्थव्यवस्था में डिसिप्लिन लाने का भरसक प्रयास किया है। भारत की अर्थव्यवस्था तय नियमों से चले, तय लक्ष्यों की तरफ बढ़े, इसके लिए हमने व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन किए हैं, चौतरफा फैसले लिए हैं, उद्योग जगत की दशकों पुरानी मांगों को पूरा करने पर ध्यान दिया है। खैर, कहने का तात्पर्य है कि उद्योग जगत से सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स लेने वाली सरकार अगर कोई है तो वर्तमान हिंदुस्तान की सरकार है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य, ये मैंने जब सार्वजनिक रूप से कहा तो मुझे मालूम था कि सुगबुगाहट शुरू होगी। मुझे ये भी मालूम था कि नकारात्मकता को प्रकट करने के लिए एक मैदान तैयार हो जाएगा। मुझे यह भी मालूम था कि ये विश्वास से कहा जाएगा कि भारत ये नहीं कर सकता है। एक सेट ऑफ थिंकिंग है ऐसा, लेकिन मुझे खुशी है कि आजकल अर्थव्यवस्था को गति देने वाले जितने ही समूह हैं, हर कोई 5 ट्रिलियन वाली बात को मध्य में रख करके चर्चा करता है। अधिकतम लोग, यार कोशिश तो करनी चाहिए यार, करे तो हो भी सकता है, अरे यार नेगेटिव क्यों सोचो, चलो यार कुछ करते हैं। मतलब कि लक्ष्य तय हुआ है तो लक्ष्य पार करने का मन भी तैयार हो रहा है, और यही मन है जो आज यहां इकट्ठा हुआ है वो उसको पार करेगा। सरकार का अचीवमेंट नहीं होता है, देशवासियों का अचीवमेंट होता है। साथियों, आज देश में वो सरकार है जो किसान की भी सुनती है, मजदूर की भी सुनती है, व्यापारी की भी सुनती है, उद्योग जगत की भी सुनती है, उनकी आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करती है।
उनके सुझावों पर संवेदनशीलता के साथ काम करती है। तो हमारे देश में सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के भरोसे अगर आगे बढ़ना है तो लक्ष्य, दिशा और मंजिल उसको जन सामान्य से जोड़ना ही चाहिए। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी लक्ष्य संभव है, अवश्य संभव है, क्योंकि ऐसी अनेक बातें जो पहले भी असंभव लगती थी उन्हें देश ने संभव करके दिखाया है। और इसलिए अभी की स्थिति से भी भारत और मजबूती के साथ और नई ताकत के साथ और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा।